Good morning students. So for 7th standard we are going to start our 5th chapter, that is environment quiz. So select the correct option and write the letter in the box. हमें correct option है वो select करना है और box में letter को लिख देना है. So first, the movement started by the people of Uttarakhand in the year 1972 to protect the trees from being felled is called. कि जो movement start किया गया था लोगों की तरफ से उत्तराखंड में 1970 में ताकि वो trees को protect कर सके, वो हुआ था ए, उसे बोला जाता है चिपको मूवमेंट बोला गया था. देन सेकंड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ बीन यूज्ड फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका जो बीन होता है, डस्टबिन होता है, उसके लिए कौन सा जो कलर है वो यूज़ किया जाता है. सो दैट इज़ सी, यानी कि ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. आपको तीन ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कि डिकम्पोज नहीं होता है. सो दैट इज़ बी, यानी कि प्लास्टिक. ओके, देन फोर्थ, सैनिटरी लैंडफिल इज एसोसिएटेड विद. जो सैनिटरी लैंडफिल है वो एसोसिएट होती है, मतलब वो जुड़ी हुई है किससे. सो दैट इज़ सी, यानी कि वेस्ट डिस्पोजल से जुड़ी हुई है. देन फिफ्थ, हु रॉट द बुक टाइगर टाइगर. कौन सी बुक, किसने लिखी है बुक ये, तो वो है ए, यानी कि कैलाश समखाला. ओके, ये इन्होंने, सॉरी सनखाला, ये जो बुक है वो इन्होंने लिखी है. देन नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, वेयर इन इंडिया इज द साइलेंट वैली लोकेटेड. साइलेंट वैली जो है वो कहाँ लोकेटेड है, तो उसका आंसर है बी. इसका जो ऑप्शन है वो मैं आपको लास्ट जो अभी वीडियो के एंड में बता दूंगी. देन सेवन, हु इज़ नॉन एज मिस्टर ओजोन. मिस्टर ओजोन है उसे, वो किसको बोला जाता है, सो दैट इज़ सी. देन विच गैस इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज़ ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट नाइन्थ, हु सेड अर्थ हैज़ इनफ फॉर एवरीवंस नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवंस ग्रीड. इसे बोला गया कि जो अर्थ है वो एवरीवन, सभी के लिए, ज़रूरतों के लिए इनफ है, पर सभी की ग्रीड के लिए, यानी कि लालच के लिए जो है जरूर, मतलब इनफ नहीं है. दैट इज़ ए, यानी कि महात्मा गांधी. देन टेंथ है, हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ फ्रॉम वेस्ट मटेरियल. रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में, वहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है वो किसने क्रिएट किया था, वेस्ट मटेरियल से किसने क्रिएट किया था. सो दैट इज़ सी, यानी कि नेकचंद. नेकचंद जो है जिन्होंने वेस्ट मटेरियल से रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में वो क्रिएट किया था. सो अभी लास्ट में जो सिक्स क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शन है मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि उसके ऑप्शन क्या है. सो ये देखिए, ये सिक्स जो है उसके ऑप्शन थे मैंने यहाँ पे दे दिया है, आंध्र प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र. तो इसका आंसर है बी, दैट इज़ केरला. सो यहाँ पे जो ये वीडियो है यहीं पे ख़त्म होती है. नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे. उसके अलावा अगर आपको कभी ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ जानने को मिलता है जिससे हमने इस चैप्टर में पढ़ा, तो आप वो आपको खुद से सर्च करके और देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं. टिल देन, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे. टिल देन, थैंक यू.